शहजाद बाली और आप देख रहे हैं एडवेंचर विद बाली। ख़वातीन हज़रात, आज मैं जा रहा हूँ रायवेंट इज्तिमा है। आपको पता ही है जैसे नवंबर के 2 तारीख से शुरू होता है और ये 5 तक चलता है, तो उसके लिए रायवेंट जा रहा हूँ। आज फ्राइडे है और उसके लिए मैंने प्रिपरेशन वगैरह कर लिया, सामान अपना रेडी कर लिया, मैंने बैग ले लिया और एक बिछाने के लिए दरी वगैरह वो साथ ले लिए। और इंशाल्लाह मैं आज जाऊंगा और उमर फारूक साहब और मुफ्ती साहब एक मतलब हमारे साथ होंगे और उसमें दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक खैरियत ले जाए। और साथ साथ इंशाल्लाह मैं जाने तक की जो है ना वो वीडियो इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं फिर इंशाल्लाह रायवेंट। और रस्ते में जो जो जैसे जैसे जिस जिस तरतीब से जाएँ, वैसे हम कैरी डब्बा हमने करवाया तो उस पर ही जाएँगे और रस्ते में जो मनाजर इंशाल्लाह ठीक है इंशाल्लाह मिलते हैं रस्ते में। नहीं जी, ये हमारा सामान तैयार हो चुका है रायवेंट के लिए और ये लास्ट में मुझे एक वीडियो दे गई थी जो लास्ट मेरी वीडियो अपलोड हो चुकी है, शायद आपने देखी हो, उसकी कुछ एडिटिंग रह गई थी वो अपलोड की अभी, उसको भी अगर जिसने नहीं देखा वो बहुत अच्छी वीडियो बनी है विलेज लाइफ के ऊपर, तो उसको भी देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इंशाल्लाह अराइवमेंट की जो है वो रस्ते में जितनी भी वीडियोस वगैरह होंगी वो इंशाल्लाह आपको हो जाते हैं। मुफ्ती साहब, अच्छा अच्छा खोल लो, काफ़ी तैयारी हो गई। जनाब हम खुशाब शहर से हम निकल रहे हैं दरिया के करीब और अब इंशाल्लाह ये मुफ्ती साहब हैं और अल्लाह ताला हमारा जो है ना ये सफ़र बखैर अफियत करें। हाँ जी मुफ्ती साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? माशाल्लाह सफ़र जा रहे हैं जी, वहाँ पे अच्छे अच्छे बयान होंगे, इस्लाही बयान, नफ़्स की इस्लाह भी होगी और इंशाल्लाह उसके साथ साथ वहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए होंगे, जिसको पहली दफ़ा भी कई आए होंगे और कई कई बार 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 ही आते हैं जी। बिल्कुल, तो वहाँ पे जो बंदा जाता है ना तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जो दिली सुकून मिलता है ना वो कहीं और नहीं। बिल्कुल सर, हम इसी माहौल के लिए तो यहाँ से इतना जो है ना वो जाने की कोशिश, हम कहते हैं कि अच्छी बिल्डिंग बना लें, अच्छी कोठी बना लें तो दिली सुकून मिले, लेकिन वल्ला इसमें नहीं है, जितना वहाँ जा के आपको सुकून मिलेगा आज आप इसको नोट कर लें इंशाल्लाह, जितना वहाँ पे सुकून मिलेगा वापस के आके जब इस दुनिया में आप फिर रंगेंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा इन दिनों में और जो वहाँ पे जिंदगी गुजारेंगे अल्लाह ताला कबूल फरमाए और इंशाल्लाह जो है ना जरूर लेंगे अल्लाह खैर आफियत से। ये हमारा सिलसिला जो है ना जी आमीन। ये भाई हमारे साथ जो है वो अबू बकर सिद्दीक भाई हैं और साथ जो है हमारे अली अकबर भाई हैं। ये भाई सरगोधा के बाग, जिसकी वजह से सरगोधा मशहूर है, ये इसके पीछे सारे बाग हैं, आगे बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई हैं। नहीं जी, अब हम सियाल मोड़ पहुँच गए, यहाँ से इंशाल्लाह हम लोग मोटरवे पे चढ़ जाएंगे और मोटरवे से आगे हम लाहौर की जाने। नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम अब पंडाल में पहुँच चुके हैं और ये भाई उतार रहे हैं सामान। ये सामने देखें माशाल्लाह इतना बड़ा पिंडाल है, यहाँ ये नाला है साथ, ये चौकी है, यहाँ से आगे जो है ना हम जाएंगे इंशाल्लाह सरगोधा वाले हल्के में, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह आप। खाना वगैरह खा के वजू कर चुके हैं और ये आप देख सकते हैं चारों तरफ ये पंडाल है। देखिए ये बंदे जो है वो सोए हुए हैं, बड़ा ही खूबसूरत और बेहतरीन इंतज़ाम है यहाँ पे माशाल्लाह से।
तो कल इंशाल्लाह सैटरडे और तमाम जो है वो काबरीन जो है मैं उनका बयान वगैरह कल होगा। ले जी, अब फजर के बाद बयान हुआ है मौलाना रबील हक साहब फ्रॉम बांग्लादेश, बहुत अच्छा बयान था। और अब हम नाश्ते के लिए निकल पड़े और आप देख सक रहे हैं भाई धूप तो है लेकिन थोड़ी फोग की वजह से जो है ना धुंध धुंध नज़र आ रही है और काफ़ी वैसे जो है ना ये देखें लोग अपने रख के बैठे हुए हैं, नाश्ता वगैरह कर रहे हैं। इज्तमाही तौर पे ये हमारे साथी जो है साथ में आए हुए हैं वो है और ये हल्का सरगोदा का है और बड़ा ही मुनज़्ज़म तरीके से यहाँ पे तरतीब से जो है ना वो बांस नंबर है, जैसे ये देखें इसमें बांस नंबर 176 इस तरह, मतलब हर बांस नंबर के साथ डिवाइड किया हुआ है, फिर हल्के से डिवाइड किया हुआ है, ज़िला वाइज जो है वो डिवाइड किया हुआ है। मतलब कोई बंदा कहीं से भी पहुँचना चाहता है तो वो बड़े आसानी से जो है ना वो यहाँ पर पहुँच सकता है और बड़ा ही मुनज़्ज़म तरीके से मैनेज किया हुआ काम है। ये सामने आपको ट्राली नज़र आ रही है, जैसे ही इनके कूड़ेदान में कचरा ज़्यादा हो जाता है ये उसी वक्त आके उठा लेते हैं और साफ़ सफाई का बड़ा ही ख़ास तौर पर ख्याल रखा गया है। और वो सामने देख रहे हैं एम्बुलेंस सर्विस भी मौजूद है, खुदा न खासा किसी के साथ कोई मसला मसाइल बन जाए तो फौरन जो है ना। और सबसे हैरानगी की बात यहाँ पर यह है कि देखें आज कल के इस महंगाई के दौर में ये रेट लिस्ट है, आप देख लें इसमें अल्लाह पाक इनको जज़ा खैर दे, सारों का इज्तमाही तौर पे यही रेट और पूरे का पूरा जो है ना निज़ाम इस तरह ही चलाया जाता है, जो रेट लिस्ट लगी हुई है उसके मुताबिक। और यहाँ टैंकियों के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है, वो सामने टैंकी नंबर 2 है, इसी तरह टैंकी नंबर 3, टैंकी नंबर 4 और ये कुछ अज़ला का है क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा तादाद हो चुकी है जिसकी वजह से जो है ना इनको अज़ला में डिवाइड किया गया। तो अब जो इज्तमा है उसमें ज़्यादातर खैबर पख्तूनख्वा के इलाके और पंजाब का ये जो वस्ती पंजाब है ये इसके अंदर शामिल है। ये नाश्ता वगैरह बंदे कर रहे हैं और सबसे हैरानगी की बात यह है कि यहाँ पानी ज़मीनी पानी इतना गर्म है कि यहाँ पे नवंबर के महीने में बर्फ़ बेची जा रही है, बर्फ़ दी जा रही है और इसके अंदर ये पानी की जो टब वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पानी गर्म है वज़ू के लिए, देखें मतलब जैसे गीज़र से आ रहा है इस तरह की तरतीब है। और यहाँ पे बाकायदा नवंबर के महीने में बर्फ़ दी जा रही है, वैसे सर्दी है लेकिन पानी गर्म है, ये बड़ी हैरानगी की बात लगी है मुझे तो। ये भाई ये देखें बड़ी रेल फेल नज़र आ रही है माशाल्लाह। और ये और खाने पीने की अशिया तो जो है ना वो कीमतें ना होने के बराबर हैं, देख रहे हैं रेवड़ी के स्टॉल भी और जो जो अपनी मशहूर अशिया। और ये सर ये किन्नू है कि माल्ट है? मौसमी बड़ी अच्छी है, रात को भाई खाई है। सारी रास्ते में जो है ना तबीयत वगैरह ख़राब होने से इसने रोका है। ये देखें ये भाई बिल्कुल पंडाल की साइड पे जो यहाँ से शुरू होता है इधर से ये रायविंड रोड है सामने, ये यहाँ से पंडाल शुरू होता है, ये सबसे पहला हल्का है सरगोदा का और इससे आगे फिर शुरू हो जाते हैं। कितने सर हल्का जात का ये है? सरगोदा, चकवाल और खैबर पख्तूनख्वा सारे का है कि उसमें भी कुछ है? जैसे पंजाब के अंदर कुछ अजला है उनमें से भी कुछ अजला है, सारे नहीं है। इस तरह सिंध के भी कुछ है। सही हो, इस तरफ नहीं हो, अगले साल होंगे। हाँ तरतीब इस तरह ना आवाम बहुत ज्यादा होती है, मैंने जी जो है ना नहीं होना इतना बड़ा। अब जिस तरह पहले हर साल होता था अब एक हल्के का जो होता है वो 2 साल बाद होता है। 2 साल बाद हाँ बड़ा ही मुनज़्ज़म इंतज़ाम है कि जो बंदा जहाँ से भी आए वो बड़ी आसानी से ढूंढ के जो है अपने इलाके अपनी हद तक के अपने मोहल्ले तक पहुँच सकता है।
हैं भाई हमारे मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं माशाल्लाह। ये जोर की नमाज के बाद का वक्त है और अब इसके बाद बयान होगा। किन साहब का बयान है सर? मोहतरम है, कोई इंडिया से हैं, बेंगलोर से। मोहतरम का नाम क्या है आज? भाई फारूक साहब हैं इंडिया से, बेंगलोर से, उनका भी बयान है। ये सारे अहबाब अभी नमाज असर की तैयारी कर रहे हैं, सफबंदी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, आज संडे का दिन है और आज इंशाल्लाह दुआ होगी यहाँ पे, और ये सारी जमातें जो हैं वो तश्कील के लिए जा रही हैं, और फजर पढ़ ली हम लोगों ने और हदायात जारी होंगे, और जितने भी बयानात हैं उलमाए इकराम के वो मैंने रिकॉर्ड किए, जिस भाई को उनको सुनना मकसूद हो वो इंशाल्लाह मेरे चैनल पे जो है वो उसको सुन सकते हैं। कंप्लीट जो है वो 1 आवर की जो है वो कंप्लीट तमाम जो है वो बयानात मौजूद हैं यहाँ पे। तो अब हम जा रहे हैं नाश्ते करने, नाश्ते के बाद फिर इंशाल्लाह हदायात सुनेंगे, फिर उसके बाद जो है हमारे पास टाइम थोड़ा होगा, फिर उसके बाद जो है इसलिए हम पहले नाश्ता कर। ये तमाम जो जा रहे हैं अभी ये लेके, ये वापस के लिए निकल रहे हैं या कुछ बात के लिए रख के आ जाएंगे गाड़ियों में, जल्दी वाले दूर वाले लोग। अच्छा, इसका मतलब है इन्होंने जो ये सामान वगैरह जो उठाया हुआ ये अपनी गाड़ियों में रखने के लिए ले जाए। भाई एक कैंटीन के मनाजर हैं, इस जैसी बहुत सी कैंटीन यहाँ पे मौजूद है। ये दो तरीके का रहा है, कि इसमें एक यहीं पे खाना चाहें तो टोकन लें और मुख्तलिफ अशिया पकड़ें और खा लें, और दूसरे ज़्यादातर अफराद जो हैं वो अपने बर्तन वगैरह लाए होते हैं वो उसके अंदर लेते हैं और जहाँ पे वो बैठे हुए हैं। अब ये लाइन है रोटियों की इतनी लंबी, यहाँ से टोकन मिलता है। ये जी कुतुब खाना है, जहाँ से किताबें वगैरह मिल रही हैं, परचेज कर रहे हैं लोग, और ये सारे लोग अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ जा रहे हैं। वापसी की तैयारी कर ली है और दुआ वगैरह हो गई। ये देख सकते हैं सारे अफराद अपनी अपनी गाड़ियों में जा रहे हैं, और यहाँ से हम भी इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर इंतज़ार कर रहे हैं कि थोड़ा रश कम हो जाए, उसके बाद जो इंशाल्लाह हम लोग निकलेंगे।
ये देख रहे हैं पूरी खलकत जो है अपनी तैयारी करके और जो है ये सारा सामान समेट के हमारा माशाल्लाह ये 3 दिनों का, मेरा तो तकरीबन 2 दिनों का ये सफ़र बहुत अच्छा रहा। तो अल्लाह ताला इस्तकामा नसीब करे और बहुत ही प्रोडक्टिव रहा। ये देखें भाई सारे अफराद अपने अपने बैग, कुछ जमातों की तश्कील हो गई है वो पूरे मुल्क में जो है ना वो अब फैल जाएंगे और कुछ अफराद यहाँ से घर जाएंगे, कईयों ने अपनी जो है वो मुकम्मल कर ली है 4 माह और इस तरह वो अब अपने घरों को लौट रहे हैं। देखिए भाई ये देखिए अफराद ये देखें भाई अपनी अपनी निशानियां लेके जा रहे हैं। ये हमारा जो हलका था सरगोधा ये बिल्कुल एक साइड पे था, अब इसी रास्ते से तकरीबन सारे अफराद जो है वो अपने वापस जा रहे हैं। सुबह से यहाँ से गुजर हो रहा है लेकिन अभी तक जो है वो बंदे ख़त्म नहीं हो रहे और बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से लाखों की तादाद में बंदा जो है यहाँ पर मौजूद था। 3 दिन रहा है अपना यहीं पे उन्होंने क़याम किया और अभी जो है वो सारे कुछ अफराद बैरून मुल्क के लिए, कुछ 4 माह के लिए, कुछ 7 माह के लिए और कुछ जो है वो 40 दिन के लिए नकद यहीं से, और कई जो है वो अफराद अपने इरादा लिखवा के यहाँ से अब जा रहे हैं। हम लोग अब वापसी के लिए निकल गए हैं और बड़ी मुश्किल से जो है ना रश से गाड़ी निकली है और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम रायवन रोड पे निकल आए हैं। अब गाड़ियाँ रवा दवा हैं, आप देख सकते हैं मुख्तलिफ रक्शों पे, ट्रकों पे, कैरी डब्बे, हाईएस, मतलब जितनी अवाम की जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो सारी ही किसी न किसी शख्स ने जो है ना वो बुक की हुई हैं और वो आई हुई हैं उसके साथ। ये देखिए हद तक रक्शा तक बुक करवाया हुआ आप सामने देख सकते हैं, बड़ा मुनज़म निज़ाम था। सबसे पहले छोटी गाड़ियाँ, पहले बाइक्स, फिर छोटी गाड़ियाँ, फिर उसके बाद जो है वो हाईएस वगैरह और फिर बड़ी गाड़ियों को निकलने का जो है ना वो इजाज़त थी। तो हम वैसे थोड़ा लेट हो गए, जब हाईएस की बारी आई तो तब हम निकलने लगे, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अब हम निकल चुके हैं। मोटर वे पे हम ड्राइवर इतमाद से वापस आ रहे हैं अल्लाह के फजल करम से। बखैर आफियत, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा अल्लाह की याद में, गुजरा अल्लाह की अल्लाह की नबी की बातें सुनी है जी। और ये देखे काफले रवा दवा है अपनी मंजिल की तरफ और गाड़ी में गाड़ी और तकरीबन छोटी बड़ी हर किस्म की गाड़ियाँ और हत्ता के हमारे पठान भाई जो है वो तो ट्रकों पर भी आए हुए थे, वो भी उन्होंने उसमें जो है नई इंजीनियरिंग से काम लेते हुए 2 मंजिला ट्रक बनाए हुए थे। तो वो शायद एक सामने ट्रक नज़र आ रहा है उसकी, वो 2 मंजिला ट्रक बना हुआ है, वो छत पर बैठे हुए हैं। तो अल्लाह पाक इस काफिले को सलामत रखे और खैर वाफियत से अपनी मंजिलें मुसर तक पहुँचाए, इनका आना जाना कबूल फरमाए और इनका आना जाना कबूल फरमाए और दीन के मुताबिक इनको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।